डॉक्टर यहाँ पर आरती को चेक करने लगती है। अबे ये क्या, इनका टाइम तो करीब आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये है पूजा का घर और यहाँ पर सभी जीजी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है। अरे भाभी जरा भाई को फोन लगाकर पूछिए ना, जीजी कहाँ तक पहुँची है। मैंने तुम्हारे भाई को फोन लगाकर पूछ लिया है, जीजी रास्ते में ही है, घर पर पहुँचती ही होंगी। अरे रास्ते में है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, ना जाने कहाँ रह गई है ये जीजी। उन्हें क्या पता हम कितना बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। अले अल्पन दीदी, आपके साथ साथ मैं भी जीजी का इंतजार कर रहा हूँ। जीजी कितने दिनों बाद आ रही है हमारे घर पर। अरे गोलू हट जाओ यहाँ से, मुझे मम्मी के पैर दबाने दो, तुम मुझे बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो हटो जल्दी यहाँ से। अरे दीदी ये देखिए, मैं कितने अच्छे से पैर दबा रहा हूँ दादी के, आप हट जाइए यहाँ से, मैं दबा लूंगा दादी के पैर। अच्छा तो गोलू मुझे पता है तुम इस तरह से नहीं मानने वाले हो, रुक जाओ अभी तुम्हारी मम्मी को आवाज देती हूँ। पूजा दीदी, पूजा दीदी। अरे दर्पण चलो फटाफट मेरे पैर दबाओ, तुम्हें तो बस बहाना होना पैर नहीं दबाने का। अरे मम्मी दबा तो रही हूँ। दर्पण यहाँ पर माँ जी के पैर दबाने लगती है। इतने में ही घर के सामने ऑटो रिक्शा आ जाता है और उसमें से आरती बाहर निकलती है। चलो बेटा स्वीटी जल्दी से बाहर निकल जाओ, कब से अंदर क्या कर रही हो। अरे मम्मा बस निकल ही रही थी, आप भी ना बाट बाट पर चिलते रहती हो। अरे ये मेरी नानी का घर आ गया। नैना राजू देखो स्वीटी आ गई है। अरे मम्मा ये तो स्वीटी की आवाज है, लगता है जीजी आ गई। ये जीजी आ गई, जीजी आ गई। अरे हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वीटी आ गई, मेरी प्याली स्वीटी। अरे हट जा देख आरती आ गई है, चल जल्दी से बाहर, अगर थोड़ी सी भी लेट हो गई तो बहुत बातें सुनाएंगी। अरे हाँ हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, चलिए जल्दी से, वरना अगर वो गुस्सा हो गई तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। अरे देखो अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है, सबको मालूम है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी, पर कोई अभी तक मुझे लेने के लिए बाहर नहीं आया, चलो मैं ही खुद से सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ। ये लोग भी ना कभी नहीं सुधर सकते। चलो मैं अपने साथ में कुर्सी ले लेती हूँ, जीजी को बाहर ही गार्डन में बिठा दूंगी, वैसे भी बिचारी बहुत थक कर आएंगी। अरे जीजी ये क्या, आप तो ऊपर तक आ गई, चलिए लीजिए एक कुर्सी और इसके ऊपर बैठ जाइए। हाय ला ये एक काम तो तूने अच्छा किया जो कुर्सी लेकर आ गई, चलो इसके ऊपर बैठ जाती हूँ। जा आप जल्दी से पानी लेकर आ, क्या वो भी बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है जीजी अभी लेकर आती हूँ। अर्पण यहाँ पर किचन की तरफ पानी लाने के लिए जाने लगती है। अली मेली प्याली जीजी मैंने आपको बहुत मिस किया, आप बहुत दिनों बाद आती है हमारे घर पर। अरे हाँ नैना मेरी जान मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, वैसे मैंने तुम्हें और राजू को कहा तो था छुट्टियों में जीजी के घर आ जाना, पर तुम दोनों नहीं आए, इसलिए जीजी तुम दोनों से नाराज है। अली जीजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमें स्कूल से होमवर्क इतना सारा मिला हुआ था कि हमें टाइम ही नहीं मिला आपके पास आने का, होमवर्क में ही हमारी पूरी छुट्टियां खत्म हो गई, वरना हमने तो बहुत सारी प्लानिंग कल की लगी थी कि हम स्वीटी के साथ में बहुत सारा खेलेंगे। अच्छा ठीक है नैना मेरी जान कोई बात नहीं। अरे ये क्या जीजी आप तो बाहर ही बैठ गई, चलिए ना अंदर चलकर बैठते हैं, आपके जैसी भाभियां रही तो बाहर ही बैठे तो ठीक है। अरे क्या हो गया जीजी आप क्यों नाराज हो रही है। अरे नहीं बाबा नहीं, तुमसे कैसी नाराजगी, मैं तो थक गई हूँ, देखो ना बाहर कितनी कड़क धूप है भाभी, और मैंने अर्पण को पानी लाने के लिए भेजा है, देखिए कब से पानी लेकर आ रही है। अरे ये लीजिए जीजी मैं पानी लेकर आ गई हूँ। अरे हाँ भाई लाओ लाओ, पानी नहीं नेमत लेकर आई है तुमने, इतना टाइम लगता है भला पानी लाने में। अरे भाई आरती इस हालत में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, चलो जल्दी से पानी पी लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। आरती यहाँ पर पानी पीने लगती है और इतने में ही आरती के हाथ में से ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है। अरे जीजी क्या हो गया। अरे आरती बेटा क्या हो गया है तुम्हें, अरे शीतल और पूजा देखो। अरे आरती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है। अरे शीतल भाभी पता नहीं कैसे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पूजा मुझे ऐसा लगता है कि आरती को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तुम जल्दी जाओ और करण को फोन लगाओ।
अच्छा ठीक है शीतल दीदी, अभी कॉल लगाती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ आरती, तुम बहुत सही वक्त पर घर पर आ गई हो, वरना अगर रास्ते में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो तुम अकेली क्या करती थी। अरे माँ जल्दी से लेकर चलो हॉस्पिटल, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे करण जी जल्दी से घर पर आ जाइए, जीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे पूजा क्या हो गया जीजी को, जीजी सही सलामत घर पर तो पहुँच गयी है ना। अरे हाँ करण जी, जीजी घर पर तो पहुँच गयी है। अच्छा ठीक है, तुम फिकर मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस लेकर पहुंच रहा हूँ। अरे आरती दीदी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैंने करण जी को फोन लगा दिया है, बस थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस घर पर आती ही होंगी। अरे अर्पण और दर्पण जाओ जल्दी से, सारे बच्चों को लेकर पीछे के रूम में जाकर बैठ जाओ। चलो प्यारे बच्चों हम पीछे के रूम में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर मैं और दर्पण तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। अरे वाह वाह चलो चलो बहुत मजा आएगा। अरे अल्पन दीदी वो भूत वाली कहानी सुनाना। अरे नहीं नहीं भूत वाली में मजा नहीं आता है, चुड़ैल वाली कहानी सुनाना। अर्पण और दर्पण सभी बच्चों को लेकर पिछले कमरे में बैठ जाती है। चलो मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। अरे दीदी आपकी बचपन की कहानी मत सुनाइए, हमें तो चुड़ैल वाली कहानी सुननी है। अरे अर्पण मुझे तो चुड़ैल वाली कहानी नहीं आती है, तुम ही सुना दो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक चुड़ैल वाली कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत घना जंगल था और वो जंगल में एक बहुत ही बड़ा दरख्त था जिसके पास सभी जाने से डरते थे क्योंकि उसके अंदर पांच पांच चुड़ैल रहती थी और वो रात होते ही दरख्त से बाहर निकल जाती थी और इतने में ही यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती है। अरे भाई पूजा चलो जल्दी से, मैं एम्बुलेंस लेकर आ गया हूँ। अरे हाँ करण अभी आ रही है। अरे चलो आरती देखो एम्बुलेंस आ गई है। पूजा और शीतल यहाँ पर आरती को उठाकर लाने लगते हैं। चलो आरती जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आरती यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठने लगती है। ओ, 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 ओ। अरे शीतल और पूजा बहू मैं भी तुम लोगों के साथ में चलती हूँ। अरे माँ जी आप घर में ही रुकिए, हम है ना आरती दीदी के साथ में। अच्छा तो ठीक है बेटा, पर मुझे जाते बराबर ही फोन लगाकर बता देना कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, तो फिर हम अब निकलते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर आरती को लेकर निकल जाती है। अरे मैम वो मैं कह रही थी कि मेरे भाई की हल्दी है तो मैं आज जल्दी घर पर चली जाऊंगी। अरे नर्स एक तो मुझे तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, कभी तुम्हारे पास छिल्ला होता है, कभी तुम्हारे पास रसम होता है और कभी शादी, अब ये हल्दी क्या है। अरे मैम आप भी ना रुकिए, अभी मैं आपको समझाती हूँ। वो जो मेरा भाई है ना एकदम काला खलौटा है, काला घुस है, पर जब उसे हल्दी लगाएंगे ना तो वो अपनी शादी के दिन एकदम अंग्रेज लगेगा, अंग्रेज। अरे बस बस अब मुझे और कुछ मत सुनाओ, 4 बजे तुम चली जाना अपने भाई की हल्दी में, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे दूसरी नर्स ढूंढनी ही पड़ेगी, तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे मैम पर सुनिए तो 4 बजे तक तो उसे हल्दी लग जाएंगी। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। अरे डॉक्टर मैम जल्दी से आइए। अरे ये क्या एम्बुलेंस की आवाज, लगता है कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है। अरे मैम क्या हो गया, क्या बात है। अरे नर्स जल्दी से हमारी आरती दीदी को एम्बुलेंस में से निकालो, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो प्रेग्नेंट है। अरे तो ये बात है, अभी निकाल देती हूँ। नर्स यहाँ पर आरती को बेड पर लेटा देती है। अरे नर्स हटो यहाँ से, मैं अभी पेशेंट को चेक कर बताती हूँ। डॉक्टर यहाँ पर आरती को चेक करने लगती है। अरे ये क्या, इनका टाइम तो करीब आ गया है, नर्स चलो जल्दी से आओ और काम पर लग जाओ। अरे ठीक है मैडम। पूजा जी शीतल जी जाइए, आप जाकर वेटिंग एरिया में इंतजार कीजिए। पूजा और शीतल यहाँ पर वेटिंग एरिया की तरफ जाने लगती है। अरे शीतल दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई पूजा तुम्हें क्यों डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो भाव जी हमसे ही कहेंगे कि तुम लोग बहुत लापरवाह हो, स्टेशन तक लेने के लिए नहीं आए आरती को। अरे हाँ पूजा ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं, पर तुम फिकर मत करो, देखना सब कुछ ठीक ही होगा।
इतने में ही नर्स शीतल और पूजा की तरफ आने लगती है। अरे आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, लड़की हुई है। अरे वाह शीतल दीदी, देखिए ना सब कुछ अच्छे से हो गया, चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं। अरे हाँ हाँ पूजा, चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, चलो जल्दी से माँ जी को फोन लगाकर भी बता देते हैं। ये स्वीटी को छोटी बहन आई है। अरे वाह आरती, ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है, कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा भाभी तो ये बात है, क्या आपने माँ को फोन लगाकर बता दिया है? अरे हाँ हाँ आरती, तुम फिक्र मत करो, मैंने माँ जी को फोन लगाकर बता दिया है, वो सब लोग बस थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल आते ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारी यहीं तक, इसके आगे का पार्ट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।